हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपको 5 साल के बच्चों में जो दमे वाली खांसी होती है उसके बारे में एक डिटेल रिव्यू देने वाला हूं। तो अगर आपके बच्चे की एज 4 ईयर या 5 ईयर है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। यहाँ पर 2 प्रकार के सिरप जो हैं वो आप देख पा रहे होंगे। पहली है रेस्पी क्योर एलिस जूनियर सिरप और दूसरी है एजी क्लास 200 की सिरप। इन दोनों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कौन से ब्रांड की बनाई हुई प्रोडक्ट है, इसकी MRP क्या है और इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया है और ये दमे वाली खांसी में किस प्रकार से काम आती है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखें रेस्पी क्योर एलिस जूनियर सिरप जो है वो कोरोना हेल्थ केयर की बनाई हुई एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो 78 रुपीज़ इसकी प्राइस है और इसके अंदर आप मॉलिक्यूल देखें तो लिवोसाल्बुटामोल सल्फेट, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और ग्वानिफेंसिन का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आप देखें तो मॉलिक्यूल की मात्रा जो है वो काफ़ी अच्छी आपको मिलती है। पर 5 ml में देखें तो 15 mg आपको एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, ग्वानिफेंसिन 50 mg और यहाँ पे आप देखें लिवोसाल्बुटामोल 0.5 mg जो है वो इस्तेमाल की गई है। दूसरी जो मेडिसिन है वो है एजी क्लास 200 जो कि एपेक्स की बनाई हुई एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप देखें इसके प्राइस की बात करें तो 90 रुपीज़ इसकी प्राइस है और इसके अंदर मॉलिक्यूल की अगर आप बात करते हैं तो एजिथ्रोमाइसिन 200 mg जो है वो इस्तेमाल की गई है पर 5 ml में अगर आप यहाँ पर देख पाते हैं तो कंपोजिशन जो है वो आपको पर 5 ml में 200 mg जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। कांच की बोतल है और ये प्लास्टिक की बोतल आपको मिलती है। यहाँ पे आपको कैप भी दे दिया गया है जिससे काफ़ी आसानी होती है आपको बच्चे को दवा जो है वो देने में। तो इस प्रकार की 2 मेडिसिन है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल मिलाया गया है लिवोसाल्बुटामोल ये जो है दमे वाली खांसी में बहुत बढ़िया ढंग से काम करती है। एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड जो है वो कफ को बाहर निकालती है। तो इस प्रकार जो है काफ़ी अच्छे ढंग से आपके बच्चे को अगर दमे वाली खांसी की समस्या होती है तो ये कफ सिरप बेटर है, बहुत ही बढ़िया सिरप है। और एंटीबायोटिक के रूप में आप एजिथ्रोमाइसिन का अगर इस्तेमाल करते हैं तो एजिथ्रोमाइसिन खास करके गले के खराश के लिए या फिर खांसी के लिए बहुत ही बढ़िया एंटीबायोटिक माना जाता है। तो अगर आपके बच्चे 4 से 5 ईयर ओल्ड हैं तो वहाँ पे आप इन दोनों मेडिसिन का अगर यूज करते हैं तो काफ़ी बेहतरीन ढंग से काम करते हो। अगर आपके बच्चे की एज 5 से 6 ईयर है तो आप 5 ml 1 टाइम एजी क्लास को दे सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन को। और ये जो रेस्पी क्योर एलिस जूनियर है इसको 5 ml 3 टाइम करके आसानी के साथ दे सकते हैं और बच्चे की जो खांसी की समस्या है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी और ठीक हो जाएगी। जब भी आपके बच्चे को इस तरह की गले में खराश की समस्या होती है, दमे वाली खांसी की समस्या होती है तो कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है, जैसे कि गर्म पानी का इस्तेमाल हमेशा करना है। जब भी आप बच्चे को पानी पीने के लिए देते हैं तो गर्म पानी का इस्तेमाल करें। जब आप उसे स्नान करवाते हैं तो भी आप हल्के गर्म पानी से उसे स्नान करवाएं या फिर जब भी आप हाथ पैर धोते हैं तो भी आप गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें, ठंडे से दूर रखें जिससे कि आपके बच्चे को इस प्रकार की जो समस्या होती है, दमे वाली कफ की समस्या होती है, खांसी की समस्या होती है तो उसमें आपको तुरंत ही रिलीफ मिल सके। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।